बड़ा पाव बनाने के लिए गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई रखी है मैंने, और इसको तेल डाल दिया है और तेल को गर्म करेंगे। मैंने कड़वा तेल लिया है, कढ़ाई में गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। जो आलू की गैस मैंने टिक्की बनाई थी, चाहे तो आप धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, तो वो धनिया मिक्स करके बना सकते हैं, धनिया का भी बहुत टेस्टी बनता है। सो गैस मैंने वो टिक्की में धनिया नहीं डाली है, और इसमें चाहे तो धनिया मिला सकते हैं, मैंने हरा धनिया काट के मिला दिया है। इसकी भी टिक्की बना लेंगे। यदि आपको धनिया पसंद है तो धनिया आप डाल सकते हैं, और ये बिगड़ धनिया की टिक्की है। ये गाइस मैंने बना ली है धनिया वाली टिक्की, जो मैंने धनिया डाला था। थोड़ा कंप्लीट हो चुकी है, जो बेसन का डो तैयार किया था, अब इसको फिर से पेट लेंगे। अब इसमें टिक्की को इस तरीके से डुबो लेंगे और निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा पाव की टिक्की तैयार हो गई है, और उसको डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, अब इसको इस तरीके से इस बेसन में नहला के टिक्की को और इस कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें इस तरीके बेसन के गोल में इसको नहलाएंगे आलू की टिक्की को, और इसमें डाल देंगे। इस तरीके से गाइस आप भल्ले बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। बेसन का गोल आप पतला रखेंगे तो ये बेसन चारों तरफ छिटर जाएगा और आपका तेल खराब हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा गैस। थोड़ा बेसन का गोल गाढ़ा ही तैयार करना है। गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। आप चाहें तो हरे धनिया की भी चटनी तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से गैस हरे धनिया की चटनी तैयार करने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको डाला था, उसको बॉयल नहीं करना है धनिया को। धनिया, हरी मिर्च आप वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने धनिया की वीडियो डाली है चटनी की। अब इसको पलट देंगे। बेसन के भल्ले गैस बनके तैयार हो गए हैं, और इसकी दिशा चेंज कर दी है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सेक लेंगे। चटपटी भल्ले कम्युनिटी बॉक्स में गाइस आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने एक दूसरा चैनल शॉर्ट्स का बनाया है, तो उसमें भी आप शॉर्ट्स देखिए वीडियो, और वाले चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और ये बनते हैं भल्ले, अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसका सर्व कर लेंगे। सर्व कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे। तो गाइस भल्ले तैयार हैं, और भल्ले के बनाएंगे गाइस बड़ा पाव। बड़ा पाव बनाने के लिए गाइस मैंने बंद ली है, और बंद में रखेंगे ये टिक्की, और ये मैंने चटनी बनाई है टमाटो केचप, जो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, घर पर बनाइए। और ये मैंने बनाई है मोमोज वाली टमाटर लहसुन की चटनी। आप चाहें तो हरे धनिया की भी चटनी बना सकते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि हरे धनिया की चटनी मैंने डाली है। तो गाइस इस तरीके से आप बड़ा पाव खाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और इसमें लगाएंगे चटनी। पहले लगाएंगे टमाटो केचप, फिर लगाएंगे मोमोज वाली चटनी,
इसमें रखेंगे भल्ला तो बड़ा पाव। अब इस तरीके से गैस आप खाइएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गैस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। और खाइएगा बड़ा पाव। चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं चटनी से। राधे राधे दोस्तों।